क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, लेकिन अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे मूर्ख लड़के, मैं नागलोक का राजगुरु हूँ। तुम्हारे जैसे हजारों क्यों ना आ जाए, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारे मन के दुष्ट भाव जानने हेतु ही मैं अब तक चुप बैठा था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास शक्तियां नहीं है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु जो करना है वो नाग माता से बात कर सोच विचार करके ही करूंगा। अगर स्वामी जी नागमणि के बारे में कुछ कह रहे थे तो मेरी उलझनों का और स्वामी जी के यहाँ आने का कोई संबंध है। हाँ त्रिशूल, जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरी उलझनें और बढ़ गईं। मन में और भी सवाल उत्पन्न हो गए। भले ही मैं उनसे आज पहली बार मिली, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे उन्हें कई सालों से जानती हूँ। लेकिन मैं उन्हें कैसे जानती हूँ ये तो सोचने पर भी याद नहीं आया। तुम्हें बार बार उनके बारे में बात करते हुए देख के मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है। नागमणि के रहस्य को सुलझाने वाले वही इकलौते हैं। पता नहीं क्यों जब भी नागमणि शब्द सुनता हूँ दिल दिमाग सब में स्फूर्ति आ जाती है। पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा कोई ना कोई चिंता चलती ही रहती है। मेरी जिंदगी में मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। ये अंतिम युद्ध है, ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम युद्ध, अंतिम पड़ाव। तुम्हारी ये यात्रा कहीं तुम्हारी अंतिम यात्रा ना बन जाए, इसलिए सतर्क करने तुम्हारे आसपास दुश्मन ही दुश्मन है इस बात से अवगत कराने आया हूँ। स्वामी जी, हम दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं और हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। सिर्फ आप ही हैं स्वामी जी जो हमारी सारी उलझनें सुलझा सकते हैं। ऐसे वक्त पे आपको हमें आशीर्वाद देना चाहिए स्वामी जी। हम दोनों को अलग अलग जाना चाहिए या फिर? गलत है, तुम दोनों का अलग होना भी गलत है और अलग अलग जाना भी गलत है। मुसीबत इंतजार कर रही है, मौत तुम्हें बुला रही है। महादेव मृत्युंजय भी तुम्हें इस मुसीबत से बचा नहीं पाएंगे। इस बार अगर तुम दोनों हार गए तो सब कुछ खो बैठोगे, याद रखना। इतने दिनों तक केवल कुछ लोग ही तुम्हारे शत्रु थे, लेकिन अब तुम्हारे हितेशी, तुम्हारे साथ रहने वाले भी तुम्हारे शत्रु होंगे। स्वामी जी, हमारे अपने हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? जब तक समय ठीक नहीं हो जाता तब तक सब शत्रु हैं। स्वामी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमें किससे संकट है? हमने किसका बुरा किया है स्वामी जी, और वो हमारा बुरा क्यों चाहते हैं? पूरे लोगों से संकट है, पूरी सोच से संकट है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए हर कीमत पर यहाँ आ जाएंगे। कौन आ सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी कौन आया है? हाँ वो कौन है ये आवश्यक नहीं है, अभी अभी तुम दोनों का साथ रहना आवश्यक है। अगर तुम साथ रहोगे तो तुम्हें मारना किसी के बस की बात नहीं है। जय भोलेनाथ। नाग माता,
वो कलंकित हो चुकी है। उसका मन भी इंसानों की तरह कलंकित हो चुका है। ये सब अहंकार के कारण हुआ। ना कर्तव्य को भूलकर उसने मानवता को स्वीकार किया है। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं आप? वो शिवानी ने मनुष्य लोक में जाकर मनुष्यों की हीन बुद्धि को स्वीकार कर लिया है। नागलोक के सत्य और सात्विकता सब भूलकर जीवन जी रही है वो। नागलोक से जाने के उद्देश्य को भूलकर वहाँ वो मानवों के मतहीन बुद्धियों को सीख कर उस अपवित्र जीवन को ही अपना जीवन समझकर जी रही है माता। गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, वास्तव है। शिवानी उन दुष्टों की सोच के अधीन हो गई है माता। परमेश्वर, नहीं नहीं शिवानी, शिवानी ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। मैंने भी वही मान लिया था माता, लेकिन शिवानी छे, उस पर मानवों का नीच गुण छाया हुआ है। मुझे दुर्दता से ले जाकर मुझे बंदी बनाने का प्रयत्न किया है उसने। उसके मन में कितनी कपटता भरी हुई है नाग माता, सोचिए। इसका अर्थ आप जो कह रहे हैं वो गुरुजी सब सत्य है। यहाँ से जाते ही शिवानी मनुष्यों की तरह बदल गई है। मैं शिवानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, गुरुजी, हे परमेश्वर, ये आपकी कैसी परीक्षा है? रक्षा करो, रक्षा करो। तृष्णा, तृष्णा, क्या हुआ तृष्णा? वो नागलोक का आदमी कहाँ गया? तुम्हें क्या हुआ? वो बचकर निकल गया दाक्षायणी। मैंने उसकी शक्ति को कम समझ लिया था दाक्षायणी, वही मुझसे गलती हो गई। उसका एक ही प्रहार काफी भयानक था दाक्षायणी। मंत्र तंत्र से उसे रोक सकती थी ना तृष्णा? उसने मौका ही नहीं दिया दाक्षायणी। उससे बचने के लिए मुझे शिवानी के रूप से अपने रूप में वापस आना था। वो तो असंभव था। हाथ में आया हुआ निवाला हाथ से छूट गया। ठीक है, लेकिन उसने तुम्हें कुछ बताया? नागमणि को भूलोक में लाने के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि उसे ढूंढते हुए शिवानी यहाँ आई थी। बस इतना ही? क्या उसने बताया कि वो यहाँ किसके लिए आया था? कौन था वो? क्या उसने बताया नागराज आदिशेष आखिर वो है कौन? त्रिशूली आदिशेष, ये बात मैं इनको बता नहीं सकती। अगर मैंने बता दिया तो ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा, क्या सोच रही हो तुम? जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आदिशेष कौन है, तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जितनी जल्दी हो सके वो कौन है ये पता लगाकर उसे मार डालना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें प्राण डाल दीजिए। जैसे ही शरीर को प्राण मिल जाए उसे यहाँ भेज दीजिए। जाओ, जाकर उसे ले आओ।
रानी जी, इतने दिनों तक मेरी आत्मा अशांति से यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन फिर से आपका मुझे ये रूप देने का क्या कारण है स्वामी जी? तुम्हें नागलोक का एक कार्य करना होगा, नागलोक की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी। मैं क्यों कोई सहायता करूंगी? मुझे तो आप लोगों ने यहाँ से पहले ही निकाल दिया था। मैं नागलोक की कन्या नहीं बल्कि श्राप हूँ, ये कहने वाले आज मुझसे ही सहायता मांग रहे हैं। कारण है, ये कार्य सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम्हारा नागलोक से बहिष्कार किसके कारण हुआ था? उस शिवानी के कारण, जिसके कारण तुम यहाँ से बहिष्कृत हुई थी। तुम्हें उसी का नाश करना होगा। नागलोक का नाश करने का उद्देश्य तुम्हारा नहीं था, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर शिवानी की मृत्यु के लिए बुलाया गया है। उसने नागलोक से द्रोह किया है, उसका नाश होना आवश्यक है। तुम्हें उसका नाश करना होगा। सुन लिया तुमने? पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ समस्याएं हमारा पीछा कर रही है, और इन समस्याओं की वजह से कल को तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। कृपा करके यहां से चली जाओ। अपने स्वार्थ के लिए इस नाटक में मैंने तुम्हें पात्रधारी बनाया, और अपनी जिंदगी में भी तुम्हें पात्रधारी बना दिया। ये तुम्हारी जान के लिए खतरा है ना? चली जाओ यहाँ से, अपने मामा मामी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अगर मुझे तुमसे दूर जाना था तो तुमसे मंगलसूत्र क्यों बनवाती मैं? मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सपने, भविष्य, जो भी है, सब तुम्हारे साथ है, यही सोचकर तुमसे मंगलसूत्र बनवाया। तुम्हारे लिए अगर अपनी जान भी गवा दूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर जाने के लिए मत कहो। तुमसे दूर होने का मेरा भी मन नहीं है, लेकिन तुम अगर नहीं गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ, अपने मामा मामी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। सब समस्याएं क्लियर हो जाए तब भले ही वापस आ जाना। तुमसे शादी मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे संकट, तुम्हारा साथ, सब कुछ बांटने के लिए शादी की है, और अब मैं वही कर रही हूँ। स्वामी जी ने क्या कहा? हम दोनों को एक साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो, दूर नहीं होना है। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो चाहे कैसी भी समस्या हो, हम उसका सामना कर सकते हैं, है ना? तुम्हें मौत के दरवाजे पर छोड़कर मैं यहाँ से अकेले दूर कैसे जा सकती हूँ, बताओ? प्लीज त्रिशूल, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। यदि तुम शिवानी को मारकर नागमणि के साथ आदिशेष को यहाँ पर लेकर आओगी तो तुम्हारा और आदिशेष का विवाह होगा। ये मेरा रुद्र नेत्र का दिया हुआ वचन है। आपसे मुझे ये वचन मिलने के बाद समझ लीजिए कि कार्य पूरा हुआ। जितनी जल्दी हो सके उसे मारकर आदिशेष को लेकर आऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विजय भव। हे शिवानी, मायांगिनी का आगमन हो चुका है तुम्हें मारने के लिए। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही थी अब वो मेरी रक्षा कर रही है। अब तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
ये मेरी दूसरी बिछिया कहाँ चली गई? ये भगवान, कहीं गलती से उस फार्म हाउस पर तो नहीं छूट गई? अगर अगर पुलिस के हाथ लग गई तो उस पर केस करेंगे। क्या करूं मैं? अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। शिवानी, क्या हुआ शिवानी? डरी हुई क्यों हो? और इतनी हड़बड़ी में तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात है? मैं मंदिर जा रही हूँ अभी। अच्छा, मंदिर जा रही हो? चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। भगवान से बहुत सारी कंप्लेंट करनी है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। ऐसी तुमने मन्नत मांगी है क्या? हाँ हाँ, मैंने मन्नत मांगी है। ओह, मंदिर में अकेले जाने की कोई मन्नत मांगता है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना था। तुम यहाँ से अकेली जाओगी ना? लेकिन वहाँ मंदिर में तो अलग अलग जगह से लोग आएंगे, तो ये तुम्हारा अकेले जाना कैसे हुआ? ऐसी बात नहीं है त्रिशूल, मन्नत का मतलब ये नहीं कि अकेले जाकर दर्शन करूं। मैं वहाँ अकेले जाऊंगी, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगी, अपने मन की बातें भगवान को बताऊंगी, फिर मेरा मन हल्का हो जाएगा। अब अगर तुम साथ चलोगे तो अपने मन का दुख मैं रोकर हल्का नहीं कर पाऊंगी। शिवानी, रोकर मन हल्का करने जितने दुख वाली कौन सी बात है तुम्हारे पास? अच्छा, तो खुशियां मनाने जैसी कौन सी बातें हैं? नहीं, आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, वो सब चौंका देने वाली हैं। मन में इतनी सारी उलझनें हैं और किसी का जवाब नहीं है। और तो और, स्वामी जी ने भी कहा कि हम दोनों की जान को खतरा है। इन सब के बीच में हम खुशी से शांति से कैसे रह सकते हैं त्रिशूल? इसीलिए मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे प्रियकर का घर है, नागलोक का राजा आदिशेष का घर है। नागलोक का महाराजा इस मायांगिनी के दिल में रहने वाले का घर है। अगर मैं इस रूप में गई तो वो ना मुझे अपनाएगा, ना गले लगाएगा, ना प्यार करेगा। ऐसे ही चली गई तो घर वालों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले घर में जाती हूँ और फिर दिल में उतरती हूँ, पर कैसे? रास्ता कहाँ है? शिवानी, मेरे सपनों की विनाशिनी, मेरे प्यार की शत्रु, मेरी जिंदगी की शत्रु, जी चाहता है कि इसे अभी खत्म कर दूं। नहीं, मैं जानती हूँ ये कितनी शक्तिशाली है, अभी ये कोशिश नाकामयाब हो सकती है। सोच समझकर इस पर वार करना होगा। उससे पहले मुझे अपने आदिशेष को देखना होगा, बात करनी होगी, प्यार करना होगा। उसके बाद ही मेरा तन और मन तृप्त होगा। हे शिवानी, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुम्हारा अंत दिखाने के लिए। ये उसकी शुरुआत है। क्यों बेटी शिवानी, जल्दी जल्दी में मंदिर जा रही थी, अब देखो तो घर पर वापस आ रही हो। क्या हो गया, कुछ भूल गई क्या? हाँ, भूल गई थी। क्या, अपने पति को तो नहीं भूल गई? क्या हुआ शिवानी, ऐसा क्या भूल गई थी जो मंदिर जाकर वापस आई? वो हाँ, घर में सबका अच्छा हो इसलिए मैंने मन्नत मांगी थी, लेकिन मन्नत का पैसा घर पर ही भूल गई, वही वापस देने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, ले लो। रुक जाओ। तुम शिवानी नहीं हो,
तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, जिस तरह तुम बात कर रही हो और जिस तरह हमारी बातों पर रिएक्ट कर रही हो, तुम शिवानी नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ गोविंद मामा पूछने वाली आज सिर्फ क्या पूछ रही हो? अरे गोविंद मामा, आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। तुम्हारी हंसी भी शिवानी की तरह नहीं है। सुपर्ब, सुपर्ब गोविंद मामा, आप तो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। आपकी कॉमेडी देखकर ही मैं समझ गई थी कि कॉमेडी करके ही आपने अपनी पत्नी को जाल में फंसाया होगा। हाँ बेटी, मेरी कॉमिक टाइमिंग के बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम है, लेकिन घर वालों को पता नहीं है ना। अगर सही चांस मिल जाता तो आज मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता, पर अब क्या करें, इस घर में मैं सिर्फ कॉमेडियन बन के रह गया। गोविंद मामा, आप इस घर में हैं इसीलिए तो घर में हमेशा रौनक रहती है। अगर आप ही शांत हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म। हमेशा इसी तरह सुपर रहिए, ठीक है? जाओ बेटी। देखा दीदी, कितनी अच्छी है ये लड़की। हाँ, देखो बहू होने के बाद भी सबकी कितनी इज्जत करती है वो। तुम भी इस घर में बहू बनकर आई हो, तुम्हारे साथ मैं भी आ गया, लेकिन तुमने मेरी सारी इज्जत छीन ही ली। त्रिशूल, शिवानी। हाँ, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे जल्दी आना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर हो गई मुझे। क्यों शिवानी, क्या हुआ? मैं शिवानी नहीं, माया हूँ। शिवानी को खत्म करके तुम्हें हासिल करने के लिए आई हुई मायांगिनी हूँ। क्या हुआ है इसे? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। दिल कह रहा है कि इसे कह दूं मुझे छोड़ दे, लेकिन अगर ये शिवानी है तो मुझे इसे रोकने का मन नहीं कर रहा है। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बात है शिवानी, मंदिर जाती हो कहकर गई थी, फिर अचानक वापस क्यों आ गई? कुछ भूल गई क्या? हाँ भूल गई थी, वही लेने के लिए वापस आई हूँ। क्या भूल गई थी? तुम्हें, तुम्हें भूल गई थी त्रिशूल। अब मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, अपने इन हाथों से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हारा प्यार अब किसी के साथ नहीं बांटूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मैं त्रिशूल। चाहे सालों गुजर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? जाने से पहले तुम अलग ढंग से बात कर रही थी, अब क्या हो गया शिवानी? हाँ? वो त्रिशूल। पता चल गया, स्वामी जी की बातें सुनके तुम डर गई कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए तुम इतना डरी हुई हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें कुछ भी हो, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जो हाथ तुमने थामा है, तुम्हें लग रहा है कि वो शिवानी का है, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और उसके बाद भी तुम यही कहते तो मुझे बहुत खुशी मिलती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? त्रिशूल, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन क्यों ये समझ नहीं आता। शिवानी, बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो?
तुम तो मंदिर जाने के लिए यहाँ से निकली थी ना, और अचानक वापस आ गई। लेकिन जब मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ, मुझे भगवान से कंप्लेंट करनी है, तब अकेले चली गई। लेकिन फिर अब क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा तो शिवानी मंदिर गई है, चलो वही उसे खत्म कर देती हूँ। तुम क्या सोच रही हो शिवानी? कुछ काम मन्नत जैसे होते हैं, जिसने मन्नत मांगी उसी को करना चाहिए। अब सब कुछ सही करने का समय आ गया है, काम खत्म करके आती हूँ। फार्म हाउस से जब मैं भागकर आई थी, तब इसी रास्ते से मैं आई थी। क्या यहीं आसपास कहीं गिरी होगी, या फिर फार्म हाउस में ही? हे भगवान, शह। मिल गई, मेरी बिछिया मिल गई। हाँ, अब जाकर मन को शांति मिले। हे भगवान, मैं आंखें मूंद कर चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। अब मुझे किसी से कोई तकलीफ ना हो, अपना आशीर्वाद दीजिए भगवान। इतना बता दीजिए कि आप मुझे इस रास्ते पर क्यों चला रहे हैं? अनजाने में मैं जिसकी पत्नी बन गई, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? मेरी शांति को भंग करके, मेरे सपनों को चूर करके भगवान से अपनी खुशी मांग रही हो? मैंने भी तो भगवान से मांगा था कि मुझे मेरा आदिशेष दे दो, और इसीलिए मुझे एक और जन्म दिया है, और तुम्हें मारने के लिए एक और मौका दिया है। दिग्विजय, तुम्हारे गुरुजी ने कहा था कि पूजा करके आदिशेष कौन है इस बारे में पता लगाना होगा, लेकिन अब तक ना ही कोई पूजा शुरू की और ना ही अब तक आदिशेष का पता लगा पाए। अघोर अमावस्या से पहले नागलोक के लोग भूलोक में आकर नागमणि को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिर तुम्हारे हिसाब से अभी हमें क्या करना चाहिए? सही तैयारी करनी होगी। प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? रुक जाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? कौन है आप? मैं माया हूँ। कौन माया? आप मुझे जानती हैं क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो शिवानी, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। जिसे मैं जानती नहीं उससे ऐसे ही बात करूंगी ना? मतलब क्या सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं तो आपको पहली बार ही देख रही हूँ। आप मुझे जानती हैं क्या? आप कैसे जानती हैं? क्या मजाक कर रही हो शिवानी? मजाक नहीं, तो वैसे हजारों लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन हजारों को मैं पहचान लूँ ये जरूरी तो नहीं ना। माफ कीजिए, आप कौन है मैं नहीं जानती। क्या हुआ दिग्विजय, इतने डरे हुए क्यों? गुरुजी, वो दक्षायणी और तृष्णा ने कहा कि घोर अमावस्या से पहले
नागलोक वाले नागमणि ढूंढने जरूर आएंगे। नागमणि को उनसे पहले हमें हासिल करनी होगी। समय निकल गया तो नागमणि हमें नहीं मिलेगी, इसलिए गुरुजी हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। सही कहा दिग्विजय, लेकिन कोई भी काम जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हमें सिर्फ नागिन का पता है, आदिशेष कौन है ये अब तक पता नहीं चला। जब तक पता नहीं चलेगा नागमणि को हासिल करना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जाकर आता हूँ। लेकिन गुरुजी कहाँ? हिमालय पर्वत पर जाना है, वहाँ अपने गुरुजी से मिलकर आगे के रास्ते के बारे में सोच विचार करूंगा। गुरुजी याद रखें कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। इतना मत सोचो दिग्विजय, हमारी तपस्या का फल मिलेगा, नागमणि हमारे वश में जरूर आएगी, चिंता छोड़ो। पति को साथ लेकर गई तो पर्सनली भगवान से कुछ नहीं मांग पाएगी ना, इसलिए त्रिशूल को घर पर ही छोड़कर गई। गोविंद, लगता है तुम्हारी पत्नी ने भी मंदिर जाकर यही मन्नत मांगी होगी और मन्नत पूरी भी हो गई होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर आराम से अपने मायके जाकर बैठी है वो। ये बोलने की जरूरत नहीं थी, दे दो बेटी दे दो, कम से कम मुँह में प्रसाद होगा तो थोड़ी देर के लिए जबान बंद रहेगी। शिवानी पूजा अच्छे से हो गई? हाँ माँ, पूजा दर्शन सब अच्छे से हो गया। माँ बोलो बेटी। वो मंदिर में मुझे एक लड़की मिली थी। लड़की कौन थी? पता नहीं, दिखने में काफी खूबसूरत थी वो, आंखें बहुत ही सुंदर, जैसे सूरज की तरह चमक रही हो, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। लेकिन बेटी अगर तुम उसे सालों से जानती हो तो पहचाना क्यों नहीं? आजकल भूलने की बीमारी शुरू हो गई है मुझे लगता है। बहुत सोचती हूँ उसके बाद भी कुछ याद नहीं आता। ऐसा कौन हो सकता है? तुम्हारे कहने से तो लगता है। देखो वो यहाँ आ गई। तुम अब भी जिंदा हो? तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो मर गई थी ना, जिंदा कैसे हो गई? आप सभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो बेटी, तुम नागलोक की हो, तुम्हें यहाँ हमारे घर नहीं आना चाहिए। जाओ, पहले घर से बाहर निकलो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तुम मर चुकी थी, तुम्हारी मौत को हमने अपनी आंखों से देखा था, इसके बावजूद तुम यहाँ तक आ गई हो, मतलब कौन हो तुम? ये कैसा भेस है? अरे मैं माया हूँ, त्रिविक्रम की दोस्त। मैं नागलोक से नहीं हूँ। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो बेटी, इस घर में जो हो रहा है मैं उसी से बहुत डरी हुई हूँ, उस पर तुम यहाँ आ गई हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, उस दिन पता है क्या हुआ था? मैं चलकर जा रही थी और अचानक सामने से किसी ने मुझ पर राख फेंक दी, मैं बेहोश हो गई, और बाद में जब मुझे होश आया तो पता चला कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है। कोई बहुत बड़ा बुरा साधु था, इतने दिनों तक उन्होंने मुझे दिग्बंधन में रखा था, आज मैं उनके चंगुल से बचकर आई हूँ। कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन इसे सुनकर ताली बजाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। अपहरण हुआ, दिग्बंधन हुआ, और ये वहाँ से बचकर यहाँ आ गई। उस दिन तुम्हें जब देखा था तुम जैसी दिखती थी, आज भी वैसी ही दिखती हो। इसका मतलब तुम इतने दिनों तक कहीं आराम से बैठी थी, है ना? आने वाली घोर अमावस पे उन्होंने मुझे बलि देने का फैसला किया था, इसलिए जब जब मैं भागने की कोशिश करती थी
वो मुझे फिर से बंधन में रखते थे। तो तुम फिर कैसे ऐसे सेफली लौट आई? मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो आज स्वामी जी ध्यान में बैठे थे, इसलिए मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग कर आई। आप झूठ बोल रही हैं। जब मैंने आपको वहाँ मंदिर में देखा था, तब आपके चेहरे पर भय का कोई निशान ही नहीं था। अच्छा, तो ये तुम्हें मंदिर में मिली थी? लेकिन अगर तुम वहां से बच निकली थी तो तुम डायरेक्ट घर क्यों नहीं आई, मंदिर क्यों गई थी? इससे पता चलता है कि तुम जो कह रही हो वो झूठ है। अरे, उस भगवान ने ही तो मुझे बचाया था, इसलिए भगवान को हाथ जोड़ने के लिए मैं मंदिर गई थी। वही मुझे तुम मिली और मैंने तुमसे बातें भी की, लेकिन तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। माया, बेकार की बातें मत बनाओ। तुम सच में नागिन हो या नहीं, पहले मुझे ये पता करना है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सांप से पूछोगे कि वो सांप है, तो क्या सही जवाब मिलेगा त्रिशु? उसके लिए एक और रास्ता है। गोविंद, बीन लेकर आओ। हे भगवान, मैं फंस जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? तुम अचानक सामने आकर कहानी बना दोगी और हम भरोसा कर लेंगे। ये लीजिए। वो खिलौना नहीं है, बजाओ। रुकिए, बस कीजिए। त्रिशूल, अब तो मुझ पर भरोसा हो गया ना? मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी स्त्री हूँ। यहाँ आकर कहीं और फंस गई थी, लौटकर फिर यहाँ आई हूँ। बस ठीक है, तुम सांप नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? मैं अपने दोस्त त्रिविक्रम से मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल वो जिंदा नहीं है। कुछ पापी लोगों ने उसे मार डाला। दमयंती, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। दिग्विजय अंकल कहाँ हैं? रीना कहाँ है? जीजा जी कहीं चले गए हैं और रीना किसी के साथ भाग गई। विक्रम, ये लोग कह रहे हैं कि तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम कहीं बाहर गए हो ये समझकर तुम्हारा इंतजार करूंगी और बहुत जल्द तुम लौट कर आओगे। आंटी,
पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे अपने घर जाने से भी डर लग रहा है। थोड़े दिनों के लिए मैं यहाँ रह जाती हूँ, फिर मैं अपने घर वालों को बुलाकर उनके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, यहीं रुक जाओ। त्रिविक्रम की दोस्त हो, शायद तुम्हारे यहाँ रुकने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। रुक जाओ। वो लड़की यहाँ जो आई है, उसे मैंने खुद मरते हुए देखा। वैसे वो नागलोक की ही है, ये बात कंफर्म्ड है। पर दोबारा यहां वापस क्यों आई है? पता नहीं क्यों उस पर भरोसा नहीं। इसीलिए मुझे उस पर शक है। वो जो यहां आई है वो कोई और तो नहीं? कौन है वो? मृत्यु किसकी हुई? ऐसे हजारों सवाल हैं। उस पर संदेह करने जैसा क्या है? वो तो कह रही थी कि उसका अपहरण हुआ था, उसे बंधन में रखा गया था। ये तो सच है कि काम निकालने के लिए सभी लोग झूठ तो बोलते हैं। ये जानते हुए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जो मर गई वो जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि उसके रूप में कोई और यहाँ आई है, या फिर मौत के मुंह से इसे किसी ने बचा लिया होगा। देखो, ये पता लगाओ कि वो नागलोक से आई है या नहीं।